उज्जैन से बड़ी खबर, जहां बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। वीडी शर्मा ने महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बता दें आपको, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए वीडी शर्मा आज उज्जैन पहुंचे, महाकाल के दर्शन किए उन्होंने और उसके बाद इसकी शुरुआत की। वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। 3 दिन के दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रहेंगे और वीडी शर्मा इस दौरान अलीराजपुर, जोबट, खरगोन का दौरा भी करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। उसके पहले की तस्वीर, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। मध्य प्रदेश में 4 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बाबा महाकाल के दर्शन करने आज पहुंचे। देखिए, आशीर्वाद यात्रा में हमारे जो नए मंत्रिमंडल के सदस्य माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बने हैं, उसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि भारत के इतिहास में पहली बार 27 ओबीसी के मंत्री, 11 महिलाएं मिनिस्टर बनी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को बड़ी मात्रा में प्रतिनिधित्व इस बार मिला है, भारत के इतिहास में पहली बार। इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में, समाज बंधुओं के बीच में हमारे सभी मंत्री, आज से यात्रा प्रारंभ हुई है। कुछ लोग 19 तारीख से प्रारंभ करेंगे, कुछ लोगों की आज से शुरू हुई है। सभी मंत्री हमारे कोरोना प्रोटोकॉल के तहत, जो नॉर्म्स हैं उसके तहत ही यात्रा करेंगे। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे उज्जैन से संवाददाता संतोष कृष्णानी का, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। संतोष, आज उज्जैन में बड़ी हैपनिंग्स हो रही है, आज बड़ा दिन है, सोमवार, सावन सोमवार का भी दिन है, महाकाल की सवारी भी निकल रही है और वीडी शर्मा का महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचकर आशीर्वाद लेना है। बताता है कि बीजेपी ने 4 सीटों के लिए उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। बिल्कुल दीपक, बताना चाहूँ, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो बाबा महाकाल के भक्त भी कहलाते हैं और खास बात ये कि चुनाव जब जब आते हैं तो सबसे पहले बाबा महाकाल के अर्जी लगाते हैं, बाबा महाकाल से आशीर्वाद मांगते हैं। कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, उसको उसकी तैयारी को लेकर पहले बाबा महाकाल के दर पे पहुंचते हैं, विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद ही चुनाव का आगाज किया जाता है। इसी तारतम्य में आज प्रदेश के वीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे थे, उन्होंने बाबा महाकाल से आशीर्वाद मांगा है और आशीर्वाद के साथ उपचुनाव का आगाज भी यहाँ से करके गए हैं। और खास बात यह कि जो जन आशीर्वाद यात्रा का भी जो बीजेपी ने संकल्प लिया था कि जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश के साथ कई जिलों में निकलेगी और उसकी तैयारियां भी आज से यहाँ वीडी शर्मा के द्वारा यहाँ आगाज किया गया और कुछ ही दिनों में मालवा का जो जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जो ज्योतिराज सिंधिया है वो पूरे मालवा निर्माण का दौरा करेंगे और खास बात यह कि हर जिले में जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचेगी और घर घर तक उनका जो दायित्व है कि हर जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये मायने कही है, उपचुनाव भी आने वाला है और जन आशीर्वाद का जो मतलब है वो कहीं ना कहीं जनता से सीधा संवाद करना। संवाद का मतलब ये कि जो भी समस्या है कोरोना के काल में हो, चाहे अन्य किसी भी समस्याओं के कारण हो, तो सीधे सीधे ज्योतिराज सिंधिया और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश, चलिए यानी हम समझ सकते हैं बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, कमर कस ली है और यही कारण है कि आज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत उज्जैन में दर्शन करने के साथ हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संतोष, खबर पर ज्यादा जानकारी विस्तार से हमें देने के लिए।